अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं यू बी टेक जज्बा। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में कि कौन से फ़ोन्स ऐसे हैं जिनको आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपके कोई भी सवाल है उनको ज़रूर ज़रूर पोस्ट करें, कॉमेंट करें, क्योंकि मैं संडे को कोशिश करूँगा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसे फ़ोन्स के बारे में बात करूंगा जो आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करने। अभी मैं सारे डिवाइसेज यहाँ पर देख रहा था और यहाँ पर आईफोन 7 प्लस की प्राइस रखी गई है 1,02,900 रुपये, 128 GB वाला। तो मेरे ख्याल में ये फ़ोन आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मार्केट से, आपको ऑफलाइन मार्केट से आपको बहुत बेहतर रेट मिल जाएगा, काफ़ी बेहतर रेट मिलेगा। तो ये फ़ोन आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दो फ़ोन और रखे गए हैं, आईफोन 8 प्लस 64 GB जिसको आपको मिलेगा 1,06,800 रुपये का, और आईफोन 8 256 GB जो आपको मिलेगा 1,13,400 रुपये का। तो इन डिवाइसेस की भी प्राइस मार्केट में काफ़ी डिफरेंट है, तो इन डिवाइसेस को भी आप बिल्कुल भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं करें, काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको। काफ़ी बेहतर है कि आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर परचेज़ करें। और जो बहुत से फ्लैगशिप डिवाइसेज आती है जिस तरह के सैमसंग के नोट 8 हो गया, S8 हो गया, इन डिवाइसेज को भी मैं कहूँगा जो फ्लैगशिप डिवाइसेज है इनको कभी भी ऑनलाइन परचेज़ ना किया करें। उन डिवाइसेज को ज़रूर परचेज़ करें जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल हो उनको कभी भी ऑनलाइन परचेज़ ना किया करें। कोशिश किया करें कि मार्केट में जाकर परचेज़ करें, क्योंकि कोई भी मसला आ सकता है। यहाँ पर एक और डिवाइस है टेलोर की इन्फिनिटी ई। ये डिवाइस आपको मिलेगी 4.5 इंच की डिस्प्ले के साथ, 1 GB की रैम मिलेगी आपको, इस पर 8 GB की रोम मिलेगी। ये डिवाइस की प्राइस है करीब करीब 5,900 रुपये। इस डिवाइस को भी आपको बिल्कुल परचेज नहीं करना। उसकी वजह यह है, इस पर आपको मिलेगा 1 GHz का प्रोसेसर जो कि बहुत स्लो परफॉर्मेंस देगा आपको। उसी के साथ साथ 1 GB रैम में से आपको करीब करीब 600 MB फ्री मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा भी मिली तो। और आजकल के एप्लीकेशन काफ़ी हैवी हो चुके हैं, तो 600 MB मल्टीटास्किंग बहुत 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 कम है। तो ये डिवाइस भी आपको नहीं खरीदनी। आप शायद सोच रहे हो कि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर क्या, तो मेरे ख्याल में ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको 6,000 में सेकंड हैंड काफ़ी बेहतर डिवाइस मिलेगी, 2 GB रैम के साथ और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ क्यूबॉल की डिवाइसेस आपको मिल जाएगी। तो उन डिवाइस को लेना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप 1 GB रैम वाली किसी भी डिवाइस को परचेज़ करें। और भी बहुत सी डिवाइसेज हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में जिनको नहीं परचेज़ करना चाहिए। एक डिवाइस यहाँ पर मैं भी देखा था, HTC U Ultra, जिसकी प्राइस रखेगी है करीब ऑनलाइन 80,000 रुपये। इस डिवाइस को भी आपको ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना अगर आप HTC के फ़ैन हैं। पहली बात तो HTC की मार्केट पोजीशन पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको मनी बैक गारंटी या मार्केट वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो पहली बात तो परचेज़ ना करें। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है मार्केट से ढूंढें, तो आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस जो है वो मिल जाएगी। इस तरह बहुत सी डिवाइसेज हैं जो ऑनलाइन रहती है, उनको आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो डिवाइसेज मार्केट में अवेलेबल है उनको ऑनलाइन परचेज़ ना करें। जो ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप उनको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। बस यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा डिफरेंट काइंड की वीडियो थी, अब मुझे नहीं पता मैंने वीडियो क्यों की, मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बस फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।